संगठन बड़े चलो, सफल बड़े चलो, भला हो जिसमें देश का मुकाम सुनते चलो। 2022 में मुख्यमंत्री भाजपा सरकार बनाने की संकल्प है, उसके साथ हम सब लोग अब चुनाव के मैदान जीत का मंत्र हो, देश को भाजपा को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने के लिए उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के परिश्रम से सुनिश्चित होगी। ऐसा लेकर गलत बयानी कर रहे हैं कि किस तरीके की मानसिकता है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस को अगर भगवान श्री राम से इतनी नफरत है तो सबसे पहले तो सोनिया जी को, राहुल जी को और उनकी बहन प्रियंका जी को सबको अपने नाम से गांधी शब्द हटा लेना चाहिए, क्योंकि गांधी शब्द रखना और राम का विरोध करना और हिंदुत्व का विरोध करना गांधी जी का भी अपमान है, हिंदू के अपमान के साथ साथ राम भक्त। आज क्या खास रणनीति बनी, आज बैठक में क्या खास रणनीति बनी है? जो रणनीति बनी है वह 300 पार प्रचंड बहुमत के साथ फिर दो अभी मैं अहंकार की भाषा होगी, मैं यह मानता हूँ कि जो भी हमारे टक्कर में विरोधी मानते हो अपने को माने, लेकिन हम लोग मानते हैं कि जनता के आशीर्वाद से अपने काम के मुद्दे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से 300 से अधिक सीटें जीते। ये कई समाज घोषित कर अपनी किताब में लिखा है साफ हिंदुत्व के खिलाफ, ये नीचे गड़ी है लोगों के खिलाफ कांग्रेस की चुप्पी, कांग्रेस की जो मैं कहता हूँ कांग्रेस को मैं एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कहता हूँ, उसके जो डायरेक्टर है श्री सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री प्रियंका गांधी जी, ये सारे डायरेक्टर चुप क्यों हैं? मंदिर में जाएंगे, जनेऊ दिखाएंगे, पूजा करते दिखाई देंगे, राम मंदिर निर्माण होने पर जय श्री राम बोलेंगे और जो हे राम जपते रहे गांधी जी का नाम अपने साथ जोड़ेंगे, और उसके बाद जो ऐसे रामद्रोही राष्ट्रभक्त संगठनों को जो आतंकवादी जो दुनिया के कुंठार आतंकवादी संगठन है उनके साथ जोड़ते हैं, उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई नहीं करना, कांग्रेस के चरित्र को उजागर करना।